तो चलिए आज हम बनाएंगे सहजन की फली और साथ में मसूर की दाल। एक कप दाल लेंगे और से पानी डाल के अच्छी तरह से धो लेंगे। गैस ऑन करके कुकर में करीब 2 गिलास पानी लेंगे और उसमें दाल डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और थोड़ा आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसमें 1 सीटी आने तक इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे 1 सीटी आने के बाद कुकर को हम सेट कर और यहाँ पे लेंगे हम एक दूसरी बर्तन और इसमें 1 चम्मच करीब तेल ऐड करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें 1 प्याज ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और यहाँ पे ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इसे भी डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। और इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। मसालों को अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट के लिए से हम ढक देंगे लो फ्लेम में पकने के लिए। तो चलिए अब 2 मिनट के बाद हम इसे देख लेते हैं। इसमें डाल देंगे टमाटर, तो टमाटर गलने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए फिर से ढक देंगे 2 मिनट। अब इसमें हम डाल देंगे सहजन की फली और 1 कप करीब पानी ऐड करेंगे और इसे फिर से हम ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से गल ना जाए। चलिए 10 मिनट के बाद हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से गल गया है। अब हमने जो दाल गलाए थे वो दाल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे जीरा लगा के कुछ हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया और 1/2 नींबू का रस। फिर से एक बार मिक्स करेंगे और इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा दाल सूटी का सब्जी बनकर तैयार है। और इस पॉइंट पर आप एक बार नमक चेक कर लें। नमक चेक करने के बाद अब ये गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। अब इसे हम कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स हम इसे सर्व करेंगे दाल रोटी के साथ और इसे हम सर्व करेंगे फ्राई किए हुए मिर्चे के साथ। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।